अंकल कैसे दिए दिए? अरे ले लो बेटा, 100 रुपए के 100 दे रहा हूँ। ठीक लगाओ अंकल, इतने महंगे कहाँ हैं 100 के 100। सही है बेटा, चलो तुम्हें 105 दे दूंगा। 105 पूछ नहीं, एक काम करो 100 रुपए के 150 दे दो। अरे नहीं बेटा, ये तो तुमने बहुत कम कर दिया, इतना नहीं हो पाएगा। अरे हो जाएगा अंकल, इतने महंगे थोड़ी ना आते दिए, मिट्टी के तो बनते हैं। अरे बेटा, ये जो तुम मिट्टी के दिए देख रहे हो ना, इनको बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। भरे जाड़े में हम कैसे तालाब से मिट्टी निकाल के लाते हैं, फिर मिट्टी को गूंथना, चाक पर रखकर कच्चे दिए बनाना, सुखाना और फिर आग में लेकर पकाना, तब जाकर कहीं ये दिया हम अपने हाथों से तैयार करते हैं इसे। अगर आप इसको अपने हाथों से बनाते हो, खुद बनाते हो, तो आपको और सस्ते देने चाहिए, इतने महंगे क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, हमें भी अपना घर चलाना है, औरों की तरह ना सही पर कुछ तो दिवाली हमें भी मना लेने दो। देखो अगर 100 के 150 दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से ले लूंगा। इतना नहीं हो पाएगा बेटा। रखो फिर अपने। अच्छा बेटा सुनो, 120 दे दूंगा। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया जी, आप बताओ। बढ़िया, कुछ सामान चाहिए था। हाँ जी बताओ, क्या चाहिए? 200 दिए दे दो, 10 मोमबत्ती के पैकेट, और गिफ्ट भी चाहिए, 5 ये गिफ्ट दे दो। छोटू, 200 दिए, 10 मोमबत्ती के पैकेट और ये 5 गिफ्ट। और देखो, चाय कॉफी? नहीं भाई, थैंक यू। ये वाले दे। दो और दे दो। ये भी दे दो। कितने हो गए? 200 दिए आपके, हो गए 250 रुपये के, 5 गिफ्ट, 500 2,500 रुपये के हो गए, और सब 1,000 रुपये के हो गए भाई साहब। आपके टोटल बन रहे 3,750 रुपये। थोड़े ठीक लगाओ यार। अरे हर जगह यही रेट है, और हमारा तो आपको पता है फिक्स प्राइस है। अरे भाई सारा सामान यहीं से लेके जाते हैं, देखो ना कितना सामान ले लिया। देखो जी, कम तो नहीं हो पाएगा, फिक्स प्राइस है, और अब दिवाली के टाइम पे नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे भाई? अब दिए कहीं से भी 100 के 100 मिल रहे हैं बाहर, तुमने 250 के 200 लगाए हैं। देखो आप ऐसे 50,000 रुपये का सामान ले लो, हमारा फिक्स प्राइस है, अगर आपको लेने तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। अरे बेटा, हमें भी अपना घर चलाना है। कुछ कम नहीं होगा? नहीं, लास्ट प्राइस है। चलो थैंक यू। छोटू वापिस रख दे सामान सारा। अंकल जी। हाँ बेटा, दिए दे दो। देता हूँ बेटा, पर बेटा 110 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अंकल 110 नहीं चाहिए, आप 100 के 100 ही दे दो, और मुझे काम करो 500 दिए दे दो मुझे। 500? देता हूँ बेटा 500, तो वो पेटी गिनी भी रखी है, अभी देता हूँ। वैसे अंकल आपके पास भले ही बड़ी दुकान ना हो, कोई शोरूम ना हो, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, लेकिन आपको बात करने की तमीज उन पढ़े लिखों से बहुत ज्यादा है, और आपका दिल उनके शोरूम से भी बहुत बड़ा है। हम शोरूम में दुकानों में जाके भले ही हजारों का सामान ले लेते हैं, उनसे कुछ पैसे कम करने के लिए क्या बोल दे, 1 रुपया कम नहीं करते कि हमारे तो रेट फिक्स है, और चुपचाप जितने पैसे मांगते दे के आ जाते हैं। और जब बात आती है आपसे खरीदने की, आप लोग तो इतना कमाते भी नहीं हो, आपसे लग जाएंगे बार्गेनिंग करने में, इतने का दो, इतने का दो, ऐसे करेंगे कि हम आपसे खरीद के एहसान कर रहे हैं, और भले ही आप उनसे सस्ता देते हो, और मेरे ख्याल से तो आपको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, आपकी ज़्यादा मेहनत होती है, मेहनत आपकी ज़्यादा, कमाते हैं वो ज़्यादा। अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ बेटा, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए
हमारे लिए वही बहुत है। अब ये दिए बेच के ना तो हमें जमीन खरीदनी है और ना सोना, हमारे लिए तो दो रोटी बहुत है, बस टाइम से मिल जाए। अंकल आपकी भी दिवाली बहुत अच्छे से बनेगी, और मेरे जितने यार दोस्त आस पड़ोस में मैं सबको यहीं भेजूंगा कि आपसे ही दिए ले। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये लो अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया, लो हैप्पी दिवाली अंकल। आपको भी बेटा।